माँ वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करिए ट्रेनर को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके माता वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले। जय माता दी। सबसे पहले आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सब ने हमारे इस जन्मदिन के अवसर पर हमें ढेर सारा अपना आशीर्वाद दिया है। माता रानी से भी हमारे लिए ढेर सारा आशीर्वाद मांगा है और साथ ही साथ जो आप सब ने हमें बर्थडे की विशेष भी भेजी है उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है और मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा हैप्पी हूँ आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार भरे ब्लेसिंग्स के कारण। और मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल तो मैं ये सोचा था कि मैं माता रानी के दरबार अपने जन्मदिन के अवसर पर रहूँगा और आप सबको घर बैठे लाइव दर्शन कराऊँगा, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि आप सबको पता है ना कि माता जब तक बुलाती नहीं भक्त जा नहीं पाते। वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ, माता रानी का बुलावा नहीं था इसलिए हम नहीं जा पाए। लेकिन कोई नहीं, श्री माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से हम वहाँ पर तो नहीं हैं लेकिन उनका प्रसाद हम तक पहुँच गया है और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा और स्पेशल थैंक यू रोहित जी को कहता हूँ। रोहित जी ने मुझे एक गिफ्ट के तौर पर माता रानी का ये पवित्र पावन प्रसाद दिया है जो कि मेरे लिए मतलब एक तरीके से अमृत है और इससे बड़ा गिफ्ट मुझे कुछ मिल नहीं सकता है। चलिए हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस बॉक्स पर हमारा पूरा एड्रेस है और साथ ही साथ स्पीड पोस्ट के ज़रिए आया है। अगर कोई क्वेरी रहती है आपको प्रसाद के रिलेटेड तो यहाँ पर प्रसाद का ईमेल एड्रेस है जिस पे आप मेल कर सकते हैं। पैकेजिंग आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बहुत ही बेहतर तरीके से पैक किया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए पूरी पैकेजिंग बहुत ही बेहतर तरीके से की गई है। अब हम इसे ओपन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो मैंने ये लिया है, इससे मैं ओपन करता हूँ। तो फाइनली हमने इसे हटा दिया है और अब हम यहाँ से अनरैप कर रहे हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रसाद ऑर्डर किया था तो उस टाइम ये रैपिंग नहीं था, बट एट दिस टाइम श्राइन बोर्ड ने ये रैपिंग करके दिया है इसे, तो काफ़ी बेहतर लग रहा है। अभी देखिए मैंने रैपिंग करके हटा दिया और ये हमारे पास आ चुका है बॉक्स। बॉक्स बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल लग रहा है। अब बॉक्स को भी ओपन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि श्री माता वैष्णो देवी का पावन प्रसाद हमें किस तरीके से मिला हुआ है, प्रसाद के अंदर क्या क्या सिस्टम है, साथ ही साथ आप जब भी प्रसाद मंगाएंगे तो आपको क्या क्या अंदर मिलने वाला है, सारा कुछ हम इस वीडियो में रिवील करेंगे। देखिए ये खुल गया, श्री माता वैष्णो देवी का पावन प्रसाद जो आपके सामने दिख रहा होगा। सबसे पहले ये देखते हैं, ये बेसिकली है ड्राई फ्रूट्स, तो इसे भी हम ओपन करते हैं। जय माता दी, इसे हम ओपन करके आपको दिखाते हैं कि ड्राई फ्रूट्स में हमें क्या क्या मिल रहा है। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स है, आप देख सकते हैं इसमें पूरी तरीके से माता रानी का पवित्र पावन प्रसाद ड्राई फ्रूट्स के रूप में, और हम इसे साइड में रख देते हैं। ये देखते हैं, ये माता रानी का पवित्र पावन प्रसाद है और इसे भी हम अनजिप कर देते हैं। फाइनली हमने इसे कट कर दिया है। ये देखिए माता रानी का पवित्र पावन प्रसाद, इसे भी साइड रखते हैं, शायद इसमें भी यही है बिल्कुल, ये भी आप देख सकते हैं, तो हम इसे साइड कर देते हैं। ये देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट ये है माता रानी का खजाना, तो आप सबको मैं बता दूं कि ये कितने खजाने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हैं। 10 बेसिकली माता रानी के पवित्र खजाने भी मिलते हैं और इस पर माता रानी का ये प्रसाद रहता है। चलिए इसे इधर रख देते हैं। ये है हम लोगों के लिए रक्षा सूत्र जिसे हम बोलते हैं, और बेसिकली ये आप देख सकते हैं कि ब्लैक्स में भी है, रेड में भी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये कितने हैं ये भी काउंट करके आपको बता देते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप जो है बताते नहीं कि कितने अमाउंट में हमें मिलता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये भी 10 हैं, ठीक है। 5 ब्लैक हैं, 5 रेड हैं, इसे रखते हैं। और सबसे बेहतर जो चीज़ मिलता है वो ये है, श्री माता वैष्णो देवी के लिए जब हम दर्शनों के लिए जाते हैं तो हम अपने सिर को ढक के दर्शन करते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, जब भी माँ के दर्शनों के लिए जाएं सिर को ढक के दर्शन करें, और ये ज़्यादातर हमें काम करेगा कब पता है, जब हम डिजिटल यात्रा बनाएंगे। बेसिकली मैं पूरे यात्रा में इसका इस्तेमाल बहुत करता हूं और इसकी रिक्वायरमेंट मुझे बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप देख सकते हैं जय माता दी का बेहतर जो सर पे हम बांधते हैं और इसको बांध के ही माँ के दर्शनों के लिए जाते हैं। आप भी जब भी जाइए अपने सिर को अगर ये नहीं ले सकते तो हैंकी से ढक लीजिए, तभी माँ के दर्शन करिए। देखिए तो ये बेसिकली पूरा का पूरा आपने देखा ओवरव्यू कि हमें प्रसाद में क्या क्या मिलता है।
और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो मिल जाता है इसका, ये सब सारे बेनिफिट हमें इस प्रसाद में बेसिकली मिल जाते हैं। अगर बात करें इस प्रसाद की, तो सबसे पहले जब आप ये प्रसाद ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर बनाई गई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप सबका एक लिस्ट बनता है जितने लोग ऑर्डर करते हैं, और उनके नाम की जो है पूजा की जाती है माता रानी के पवित्र पिंडियों के पास। वहाँ पर माता रानी के पवित्र पिंडियों के पास जैसे ही पूजा अर्चना होती है, फिर जाकर आपको ये प्रसाद जो है डिलीवरी के लिए पैक किया जाता है, और फिर आपके घर तक बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट के ज़रिए डिलीवर्ड होता है। अगर बात करें टाइमिंग की, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर कब का किया गया है शो हो रहा होगा। एक सेकंड, मैं इसे साइड में रखता हूँ। माता रानी का पवित्र प्रसाद, देखिए यहाँ पर जो डेट है वो 12 है, ठीक है, ये 12 को ऑर्डर किया गया है, और बेसिकली आज 27 डेट है, तो ये 27 को मेरे घर पर डिलीवर्ड हो रहा है, आप देख सकते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा पूरा मन था कि मैं इस अपने बर्थडे के अवसर पर या अपने जन्मदिन के अवसर पर माता रानी के दरबार रहूं और वहां से आप सबको दर्शन कराऊं लाइव, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक माता रानी का बुलावा नहीं आता, भक्त चाहते हुए भी माँ के दर्शनों के लिए उनके दरबार नहीं पहुँच सकता। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ कि माँ का बुलावा लग रहा है कि नहीं था, नहीं तो प्लानिंग्स तो सब थी। चलिए खैर कोई नहीं, माता रानी फिर हमें जल्द बुलाएंगी, हम यही माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें ज़रूर बुलाए, और आप सब भी मेरे लिए ज़रूर प्रार्थना करिएगा कि श्री माता वैष्णो देवी हमें ज़रूर अपने दर्शनों की ओर बुलाए और अपने प्यारे दर्शन दे। साथ ही साथ सबसे बड़ा और स्पेशल थैंक यू मैं रोहित जी को कहता हूँ, क्योंकि लिटरली मैं आपको बताऊं तो इससे बड़ा और बेहतर गिफ्ट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। रोहित जी ने ये अपना प्यारा गिफ्ट जो है शेयर किया है, अपने प्यार के ज़रिए, अपने प्यार भरे एक कहते हैं ना ब्लेसिंग्स के ज़रिए उन्होंने ये गिफ्ट शेयर किया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी। और इतना ज़्यादा खुशी मुझे हो रहा है जो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर मुझे माता रानी का ये पवित्र पावन प्रसाद मिला है। तो चलिए फिर मैं अभी सबको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। अब आप लोगों को तो डिस्ट्रीब्यूट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, बट आप लोग सिर्फ वीडियो के ज़रिए डिजिटली माता रानी के प्रसाद के दर्शन करते हुए माता रानी के प्रसाद को ग्रहण करें, और अभी मैं ये सारे अपने फैमिली में सबको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। फिर माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि माता रानी हमें दरबार ज़रूर बुलाए और हमारे साथ आप सबको भी जल्दी से जल्दी अपने दरबार बुलाए। आशा करूँगा कि आज का जो ये वीडियो था अनबॉक्सिंग का, वो आपको अच्छा लगा हो। ऑर्डर कैसे करना है इसके ऊपर वीडियो बनाया है मैंने, आप उसे देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलिए बस अपना प्यार देते रहिए, कोई नहीं इस बार और इस जन्मदिन पे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया कि मैं माँ के दरबार रहूँ, बट पूरा ट्राई रहेगा कि अगले नेक्स्ट जब भी जन्मदिन का अवसर आए तो मैं माँ के दरबार रहूँ और आप सबको दर्शन कराऊँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं काफ़ी भावुक हो रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, मतलब इतनी खुशी जो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि श्री माता वैष्णो देवी का पावन प्रसाद मेरे घर पर पहुंचा है। इस प्रसाद की कोई कीमत नहीं है, इस प्रसाद को मैं अनमोल मानता हूं, क्योंकि ऐसे प्रसाद मिलना भी बहुत सौभाग्य वाले हैं जिन्हें माता रानी का ये पावन प्रसाद देखने को, खैर छोड़ दीजिए आप, मतलब खाने को तो छोड़ दीजिए, देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मैं इतना अपने आप को लकी मानता हूं कि मुझे माता रानी का ये प्रसाद ऐसे मिला। तो मैं फिर से रोहित जी को बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा और उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दूँगा। आप सबको भी मैं बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा वाला थैंक यू कहता हूँ, क्योंकि आप सब ने जो इस जन्मदिन के अवसर पर अपना ढेर सारा प्यार दिया है, अपना ढेर सारा आशीर्वाद दिया है, और आप सब ने जो माता रानी से हमारे लिए प्रार्थना किया है, हमारे लिए ब्लेसिंग्स मांगी हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप देख रहे थे आपका चैनल प्यारा सा ट्रेन राइडर, मैं था आयुष। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। माता रानी ये भक्तों दे नाल चिंता किस गल दी, माता रानी ये भक्तों दे नाल चिंता किस गल दी, होशियार।